दोस्तों, आज से हम लोग HTML का एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से HTML अच्छे से सिखाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि HTML क्या है, HTML को किसने बनाया और HTML कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है HTML क्या है। इसमें परिचय की बात की है दोस्तों, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका प्रयोग वेब पेज के निर्माण के लिए किया जाता है दोस्तों। जो वेबसाइट होता है, जो भी अलग अलग पेज पे आप विजिट करते हैं, उसी पेज को बनाने के लिए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ये दिया हुआ क्वेश्चन, हाइपर टेक्स्ट क्या है। हाइपर टेक्स्ट जो होता है, टेक्स्ट जिसमें हाइपर लिंक के साथ में प्रदर्शित होता है। जैसे आपको किसी भी सोशल मीडिया पर कोई लिंक आता है, जिस पर आप क्लिक करके कहीं और दूसरे पेज पे विजिट कर जाते हैं, तो उसे ही हाइपर टेक्स्ट कहा जाता है। मतलब होता है टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट। इसी प्रकार से दोस्तों, इंग्लिश में यदि इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इट इज यूज टू क्रिएट वेब पेज। तो जितने भी पेज होते हैं वेबसाइट के, वो सभी पेज को जो है HTML के द्वारा क्रिएट किया जाता है। HTML के लिए कौन सा टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, जैसे नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस। यदि आप फ्रेशर हैं, यदि आपको कुछ भी अभी जानकारी नहीं है, तो नोटपैड प्लस प्लस सबसे बेस्ट होता है। आगे जब हम लोग HTML को सीखेंगे, तो नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करेंगे। HTML का आविष्कार किसने किया, तो HTML का आविष्कार 1991 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा जो है ये बनाया गया था। बहुत सारे वेब पेज को डिजाइन करने के लिए लैंग्वेज है, पर HTML सबसे फेमस लैंग्वेज है। तो दोस्तों, हम पहले आपको वेब पेज दिखाते हैं कि वेब पेज किस प्रकार का होता है। यहाँ से हम लोग जो है एक वेब ब्राउजर को ओपन कर लेते हैं, गूगल क्रोम को। यहाँ से हम लोग एक वेबसाइट खोल लेते हैं, फ्लिपकार्ट। यहाँ आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट का जो है यहाँ वेबसाइट दिया हुआ। मैंने इसको ओपन किया और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे ये वेबसाइट आप देख सकते हैं, जिस प्रकार से ये जो है इसका स्ट्रक्चर तैयार किया गया। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर दिया हुआ है, यहाँ पे मेनू दिए हुए हैं, अलग अलग प्रकार के मेनू। अभी इस मेनू में जो है ये सब अलग अलग लिंक हैं। जैसे आप यदि इसमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं, जैसे मैं ये फैशन वाले मेनू पे जाता हूँ, यहाँ मेन्स टी शर्ट पे क्लिक करता हूँ, तो इस होम पेज से मुझे देखिए दूसरे पेज पर लेके चला आया। यहाँ पे साइड बार भी दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये सब साइड बार में भी ऑप्शन है। इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे फुटर दिया हुआ है, और बीच में जो दोस्तों कंटेंट है ये सब। तो ये सभी को कैसे आप जो है स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, कैसे वेब पेज को क्रिएट करेंगे, इन सभी को जो है HTML के माध्यम से किया जाता है। दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो था कि HTML क्या है, HTML का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, और HTML को टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर में जो है यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोगों ने सीखा। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे दोस्तों कि HTML को आप कैसे जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और कैसे सीखेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में छोटे से प्रोग्राम हेलो वर्ड के साथ में, कि HTML का हेलो वर्ड कैसे प्रोग्राम किया जाता है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें।